मॉर्निंग एवरीवन, आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज एडजस्टमेंट्स टू बी मेड एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स। सबसे पहले एडजस्टमेंट का मीनिंग क्या है? जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका इफ़ेक्ट देना आप भूल जाते हैं। आपने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं की हैं या कम्प्लीटली रिकॉर्ड नहीं की हैं या गलत रिकॉर्ड कर ली हैं, तो उन सब चीज़ों को, उन सब आइटम्स का जब हम इफ़ेक्ट देते हैं आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उसके बाद उन्हें फाइनल करने से पहले, जब उन्हें फाइनल अकाउंट्स हम बना रहे हैं, फाइनल अकाउंट्स हमने बना लिया और उनके बाद हमें कुछ आइटम्स का पता चलता है कि उनका इफ़ेक्ट हमने नहीं दिया है, तो उनको जब हम इफ़ेक्ट देते हैं तो उन्हें हम कहते हैं एडजस्टमेंट्स। जो एडजस्टमेंट्स होती हैं वो ज़रूरी हैं ताकि हम में अपना ट्रू प्रॉफिट और लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस की पता चल सके। इसके लिए ज़रूरी है कि जो इनकम एक्सपेंसेस जिस ईयर से रिलेट करते हैं उन्हें उसी ईयर के अकाउंट्स में लिखा जाए। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी इनकम है, आपको नेक्स्ट ईयर की इस ईयर में रिसीव हो गई है, तो उसकी एडजस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी क्योंकि वो इनकम जो है वो इस ईयर से बिलोंग नहीं करती है, तो आपको इस ईयर से उस इनकम को डिडक्ट करना पड़ेगा, तभी आपको अपना ट्रू प्रॉफिट और लॉस पता चलेगा। सेम तरीके से एक्सपेंसेस के रिगार्डिंग ऐसा हो सकता है या अदर आइटम्स के रिगार्डिंग ऐसा हो सकता है। तो वो आइटम्स जो हैं जिनको आपने, जिसके लिए एंट्रीज पास नहीं की है, जिन ट्रांजैक्शंस के लिए, उनके लिए उन्हें हम एडजस्टमेंट एंट्रीज कहते हैं और उनको आपने पास करना पड़ेगा, तब आपके जो अकाउंट्स हैं वो ट्रू प्रॉफिट और लॉस दिखाएंगे। तो एडजस्टमेंट्स का मतलब वो ट्रांजैक्शन जो रिलेट करती हैं फाइनल अकाउंट से करंट ईयर के, लेकिन उन्हें आपने जर्नलाइज्ड नहीं किया है। जो एडजस्टमेंट एंट्री होती है वो उन ट्रांजैक्शन के लिए आपको पास करनी पड़ेगी। वो कौन कौन सी हो सकती हैं? वो ट्रांजैक्शंस जो रिकॉर्ड नहीं हुई हैं बुक्स में, वो ट्रांजैक्शंस जो आपने कम्प्लीटली ही रिकॉर्ड नहीं की हैं, देन दोज ट्रांजेक्शन जिन्हें आपने रॉन्गली रिकॉर्ड कर लिया है। तो यहाँ पे जो ज़रूरी है समझना, दैट इज़ जो हमने ऊपर लास्ट लेक्चर्स में भी अपने बात की थी, कि जो एडजस्टमेंट एंट्री होती है उसका इफ़ेक्ट दो जगह दिखाना होता है, जबकि जो हमारा ट्रायल बैलेंस के अंदर आइटम्स गिवन होते हैं उनका इफ़ेक्ट हम सिर्फ एक जगह दिखाते हैं, उन्हें हम सिर्फ एक जगह शो करते हैं, लेकिन जो एडजस्टमेंट एंट्रीज होती हैं उन्हें हम दो जगह शो करते हैं, दो इफ़ेक्ट उसका हमें दिखाना पड़ेगा। वो कहाँ कहाँ हो सकता है? या तो ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट में हो सकता है, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट में हो सकता है, या बैलेंस शीट और ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हो सकता है। तो ये जो इफ़ेक्ट है इसका, इन्हीं तीन जो फाइनल अकाउंट्स हैं उनके बीच में होगा। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, नेसेसिटी क्या है, इम्पॉर्टेंस क्या है एडजस्टमेंट्स की? सबसे पहले टू फाइंड आउट करेक्ट प्रॉफिट और लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस, ज़रूरी है एडजस्टमेंट करना। देन रिकॉर्ड करना ट्रांजेक्शन्स को जो रिकॉर्ड नहीं हुई हैं, इसके लिए ज़रूरी है। रेक्टिफाई करना किसी एरर को जो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हो गया है। कंप्लीट करना इनकम्प्लीट ट्रांजेक्शन्स को। रिकॉर्ड करना अर्न इनकम जो आपकी रिसीव नहीं हुई है। रिकॉर्ड करना एक्सपेंसेस जो आपने अभी स्टिल पे करने हैं। तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स नेसेसिटी या इम्पॉर्टेंस है एडजस्टमेंट्स की। देन इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट किस किस आइटम के रिगार्डिंग हो सकती है? क्लोजिंग स्टॉक, outstanding expenses, prepaid expenses, depreciation, accrued income, earned income, interest on capital, interest on drawing, interest on loan, bad debts, provision for bad and doubtful debts, provision for discount on debtors, provision for discount on creditors, implied interest, loss by accident, to give charity in the form of goods, distribution of goods as free samples, drawings in the form of goods, use of goods in business, managers commission, contingent liabilities, deferred revenue expenditure,
कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, गुड्स सोल्ड एंड डिस्पैच्ड बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, डिसऑनर ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, सेल ऑफ गुड्स ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, ये सारी आइटम्स हैं जिनके रिगार्डिंग आपकी एडजस्टमेंट आपको करनी है। अब इन सब आइटम्स को हम एक एक करके पढ़ेंगे कि किसकी एडजस्टमेंट कहाँ पे हमें शो करनी है। तो सबसे पहला जो है हमारा, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक किसका होता है? क्लोजिंग स्टॉक होता है अनसोल्ड गुड्स आपकी। इसे हम वैल्यू करते हैं कॉस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस, विच एवर इज लेस। जो रूल है उसके बेसिस पे, ये जो रूल हम अप्लाई करते हैं कि कॉस्ट प्राइस पे और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस पे हम इसे शो करते हैं। ये जो रूल है ये बेस्ड है आपके प्रिंसिपल्स के ऊपर, जो हमने अकाउंट्स के प्रिंसिपल कंसेप्ट्स कन्वेंशंस किए थे उनके ऊपर, जिसके अकॉर्डिंग जो प्रॉफिट है उसे हम सिर्फ तभी अकाउंट में लेते हैं जब सेल ऑफ गुड्स हो चुकी है, लेकिन अगर लॉस है वो क्लियरली गिवन है तो उसे हमें ट्रीट करना होगा एज अ लॉस। तो इसीलिए जो एंटीसिपेटेड प्रॉफिट्स होते हैं बिजनेस के उन्हें हम अकाउंट में नहीं लेते, लेकिन जो एंटीसिपेटेड लॉस है उसे हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना होता है। इसीलिए जो क्लोजिंग स्टॉक है उसके ऊपर ये रूल अप्लाई होता है कि कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस के ऊपर वो रिकॉर्ड होगा। इसकी एडजस्टमेंट की बात करें तो ये चीज़ हमने पहले ऊपर अपने कंसेप्ट में भी की थी कि अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है तो उसे हम एक ही जगह शो करेंगे, उसे हम बैलेंस शीट में एसेट साइड पर शो करेंगे। लेकिन अगर वो ट्रायल बैलेंस से बाहर गिवन है तो उसे दो जगह शो किया जाएगा, एक आपके ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पर और दूसरा आपके बैलेंस शीट में एसेट साइड पर। ये इसकी एडजस्टमेंट है। देन नेक्स्ट इज योर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? एक्सपेंसेस जो आपने पे अभी तक नहीं किए हैं टिल द एंड ऑफ करंट ईयर, लेकिन उसका बेनिफिट आपने ले लिया है, वो बिलोंग करंट ईयर से ही करते हैं, उसका बेनिफिट भी आपने ले लिया है लेकिन अभी तक आपने उसके लिए पे नहीं किया है, तो उसे हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सैलरी है क्लर्क की, आपने 10 मंथ्स के लिए दिए है 2000 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से, इसका मतलब दो महीने की जो सैलरी है अभी आपकी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की तरह ट्रीट की जाएगी, तो 4000 रुपीज़ आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। इसे हम कैसे शो करते हैं, इसकी एडजस्टमेंट क्या है? एक तो जहाँ पे भी वो एक्सपेंस शो हो रहा है, जो भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है जहाँ पे भी आप उसे शो कर रहे हैं, चाहे ट्रेडिंग अकाउंट में शो कर रहे हैं चाहे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो कर रहे हैं, तो हम उस एक्सपेंस में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को ऐड कर देंगे। दूसरा, उसे हम बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे शो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे दिया हुआ है सैलरीज, सैलरीज आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो होती है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरीज में को हमने सैलरीज में ऐड कर दिया और बैलेंस शीट में हमने इसे शो कर दिया। अब सेम चीज़ अगर हम कहें कि सैलरी की जगह वेजेस गिवन होती, तो वेजेस हम ट्रेडिंग अकाउंट में शो करते हैं, तो ट्रेडिंग अकाउंट में जहाँ पे भी हमने वेजेस शो की हैं उसके अंदर हम आउटस्टैंडिंग वेजेस को ऐड कर देते, और सेम बैलेंस शीट में लायबिलिटीज साइड पे हम दिखा देते आउटस्टैंडिंग वेजेस और अमाउंट। तो ये है हमारी एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अगर सिर्फ ट्रायल बैलेंस में गिवन है तो उसे हम बैलेंस शीट में शो करेंगे, अगर वो ट्रायल बैलेंस में गिवन नहीं है तो हम उसे जो भी कंसर्न एक्सपेंसेस है उसमें ऐड कर देंगे, और जो बैलेंस शीट है उसमें लायबिलिटी साइड पे शो कर देंगे, मतलब उस हम उसे एज अ एडजस्टमेंट ट्रीट करेंगे। देन नेक्स्ट है आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस या अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस या एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब है वो एक्सपेंसेस जो आपने प्री पे कर दिए हैं, मतलब पहले से ही पे कर दिए हैं, उसका बेनिफिट अभी तक आपने नहीं लिया है। सपोज कि आपका जो ईयर है, अगर हम कहते हैं कि आपका 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च तक सेशन है, और आपने 31 मार्च अभी आपने दिसंबर में एक्सपेंसेस पे किए अपने, और वो एक्सपेंसेस आपने जून तक के पे कर दिए, तो इसका मतलब कि जैन फेब मार्च 3 मंथ्स के तो एक्सपेंसेस इसी करंट ईयर के हो गए आपके, लेकिन अप्रैल मई जून 3 मंथ्स के एक्सपेंसेस आपने प्री पे कर दिए हैं, तो वो एक्सपेंसेस जिस
को आपने इनकर किया है करंट ईयर में, लेकिन उसका बेनिफिट आपको कमिंग ईयर्स में मिलेगा, तो उसे हम प्रीपेड एक्सपेंसेस कहते हैं। ये एक्सपेंसेस करंट ईयर से रिलेट नहीं करते। एग्जांपल, इंश्योरेंस पेड इन एडवांस, प्रीपेड रेंट, इसकी एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है, जहाँ पे भी जो भी आपका एक्सपेंस है जो आपने प्री पे किया है, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा रहे हो आप, चाहे वो आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट में दिखा रहे हो, जहाँ पे भी वो एक्सपेंस दिखा रहे हो आप, उस एक्सपेंस में से हम प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे। और दूसरा इफेक्ट उसका जाएगा कि जो बैलेंस शीट की एसेट साइड है हम उसे वहाँ पर शो कर देंगे। जैसे यहाँ पे इंश्योरेंस प्रीपेड है आपका, तो हमने इंश्योरेंस में से माइनस कर दिया प्रीपेड इंश्योरेंस और बैलेंस शीट में शो कर दिया एसेट साइड पे प्रीपेड इंश्योरेंस। अगर प्रीपेड एक्सपेंस आपका जो है वो सिर्फ ट्रायल बैलेंस में गिवन है, तो हम उसे सिर्फ एक जगह शो करेंगे, वो होगी एसेट साइड बैलेंस शीट की। देन नेक्स्ट जो हमारा एडजस्टमेंट है, दैट इज डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन हमेशा चार्ज किया जाता है फिक्स्ड एसेट्स पर, जैसे बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी। जो वैल्यू है फिक्स्ड एसेट की, वो ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे वो एसेट पुरानी होती जाएगी, उसकी जो वैल्यू है वो कम होती जाएगी, क्योंकि आप उसका कॉन्टिन्यूसली यूज़ कर रहे हैं। तो जो वो वैल्यू डिक्रीज हो रही है फिक्स्ड एसेट की, उसे हम डेप्रिशिएशन कहते हैं। डेप्रिशिएशन को बिजनेस एक्सपेंस माना जाता है इनकम जनरेशन के लिए, जैसे अदर एक्सपेंसेस होते हैं, क्योंकि जो फिक्स्ड एसेट है आप उसे उसके लिए यूज़ कर रहे हैं। इसके एडजस्टमेंट की बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम इसे डेबिट साइड पे दिखाएंगे, जैसे अदर एक्सपेंसेस को दिखाते हैं हम। और जो अमाउंट ऑफ डेप्रिशिएशन है, दूसरा जो इफेक्ट इसका है, दैट इज जो अमाउंट ऑफ डेप्रिशिएशन है उसे हम डिडक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे कंसर्न्ड एसेट में से जो हमने बैलेंस शीट में शो की है। जैसे यहाँ पे देखिए, डेप्रिशिएशन ऑन मशीनरी हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे दिखा दिया, और मशीनरी के ऊपर डेप्रिशिएशन है, तो बैलेंस शीट में जहाँ हमने मशीनरी दिखाई हुई है वहाँ से हमने डेप्रिशिएशन को माइनस कर दिया। तो ये था आपका एडजस्टमेंट डेप्रिशिएशन का। नेक्स्ट जो हमारा एडजस्टमेंट है, एक्रूड इनकम और आउटस्टैंडिंग इनकम और इनकम रिसीवेबल। इनकम जो आपने अर्न की है करंट ईयर में, लेकिन आपने अभी तक उसे रिसीव नहीं किया है, चाहे कैश में आपने उसे अभी तक रिसीव नहीं किया है, लेकिन इनकम इसी ईयर की है और आप उसे अर्न कर चुके हो, तो उसे हम एक्रूड इनकम या आउटस्टैंडिंग इनकम कहेंगे। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, एक्रूड इंटरेस्ट, कमीशन रिसीवेबल, रेंट रिसीवेबल एसेट्रा। इसका इफेक्ट क्या होगा, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है जहाँ पे भी वो आपने इनकम दिखाई हुई है क्रेडिट साइड पे, तो उसमें हम उसे ऐड कर देंगे, क्योंकि वो इसी ईयर की इनकम है, तो उसमें हम उसे ऐड कर देंगे। और जो आपकी बैलेंस शीट है उसके एसेट साइड पर हम उसे शो कर देंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, कमीशन है, एक्रूड कमीशन है, तो एक्रूड कमीशन को हमने जहाँ हमने इनकम दिखाई है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड, वहाँ पे ऐड कर दिया, और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के एसेट साइड पे हमने उसे शो कर दिया। अगर आपकी एक्रूड इनकम सिर्फ ट्रायल बैलेंस में गिवन है, तो हम उसे सिर्फ बैलेंस शीट की एसेट साइड पर दिखाएंगे। नेक्स्ट जो हमारी एडजस्टमेंट है, अनअर्नड इनकम और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इसे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।